मैं हूं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर। मेरी स्थापना से लेकर अब तक अनेक परिवर्तन मैंने देखे हैं। मात्र कमरों व मैदान से कोई विद्यालय नहीं बनता, जब तक किसी विद्यालय का मुखिया, अध्यापक, अन्य सदस्यगण व छात्र जुझारू व मेहनती ना हो। आइए, परिवर्तन की इस यात्रा में मैं आपको भी अपने साथ शामिल करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मुखिया से आपका परिचय कराता हूँ। ये हैं मेरे प्रिंसिपल श्री सुनील दत्त जी। आज यहाँ डाइट मासरोली से डॉक्टर निर्मल गुलिया जी आई हैं मेरे बारे में जानने के लिए। चलिए, परिवर्तन की इस यात्रा को शुरू करते हैं। जो मेन उत्सुकता जानने की क्या है कि क्या प्राथमिक चीज आपको लगी कि यस अभी ये जरूरत है और मुझे इस पर काम करना है। मैम, हमने जब सभी विषयों की आकलन किया तो सबसे मेन जो प्राथमिकता थी और इन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वो था साइंस स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ साइंस नहीं थी। हाँ जी मैम, यहाँ साइंस नहीं थी तो हमने प्रयास करके और कम्युनिटी की भी सहायता से सबसे पहले साइंस की परमिशन विभाग से ली। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आस पास होने वाली हर बारीकी को जाने। मैम, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमने विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह को एक थीम के अनुसार हाउस एक्टिविटीज के रूप में सेलिब्रेट किया और सभी गतिविधियों को महापुरुषों की जयंती या प्रमुख दिवसों से जोड़ा। देश के भावी भविष्य प्यारे बच्चों, ऐसा पावर है पर उसके सबूत में आस पास जमा हो तो क्या वह खास पावर है। करेंगे खेल खेल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें फर्स्ट ये बताना है ये कितनी टर्म है। और अब इस टर्म में हमें वेरिएबल बताना होगा एक्स। थैंक यू यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए।
में एक हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया गया है। अब क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। हो भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। इसमें महिला व बच्चे को दुख और अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। मैं लड़कियों से भी बात कर रही थी तो दे आर फीलिंग वेरी मच हैप्पी कि वो जो चाह रही थी वो उन्हें मिल गया। उनके पेरेंट्स बहुत जो है वो खुश हैं। एक दो पेरेंट्स से अभी मेरी बात भी हुई। तो लड़कियां अलग अलग गांव से आती होंगी सर? हाँ, अलग अलग गांव से। तो वो कैसे आ पाती? पहले भी यहाँ से जी बसें रोडवेज की तरफ से बसें मिली हुई थी, तो बीच में कोरोना टाइम में डिस्टर्बेंस हो गई थी और बसें बंद हो गई थी। दोबारा से उनको शुरू कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा और अब दो बसें हमें मिल चुकी हैं। दोनों बसों से विद्यार्थी आते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। लड़कों के लिए अलग से बस है और लड़कियों के लिए अलग से है, तो इससे अब इनके अभिभावक भी और माता पिता सभी खुश हैं। सर अभी मैं देख रही थी उधर जो बच्चे हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रुप में अलग अलग जो है पजल्स जो है वो खेल रहे थे। फिर इधर से मैं निकली, मैम जो है ना, मैम बड़े एक्टिव तरीके से, एंथुजियास्टिक तरीके से ग्रुप बनाकर बच्चों के बीच में एक डायलॉग डिलीवरी वहाँ चल रही थी। तो लर्निंग श्योरली मुझे रिफ्लेक्ट हुई। अब मेरी उसको देखकर एक उत्सुकता बढ़ गई कि जो ये लर्निंग का जो रिफ्लेक्शन है, क्या हम उसको हर बच्चे तक पहुँचा पाए और उसका लेवल हम कितना मेंटेन कर पाए? हाँ मैम, इसमें हमारी सारी टीम में साथी अध्यापक पूरे सजग हैं और हमारा पूरा प्रयास है और इसमें कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। टुडे इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी और मुझे लगता अच्छा भी है। जैसे अभी हम पीछे विपरीत समय में गुजरे तो टेक्नोलॉजी हमारा बहुत बड़ा साथी रहा। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एक ई अधिगम का प्रोग्राम है वो अपने आप में भूतपूर्व है, जिसने बच्चों को मतलब ये मौका दिया कि वो ब्लेंडेड मोड में, हाइब्रिड मोड में भी अपनी लर्निंग को बनाए रखें। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसके साथ एक हल्की सी शंका ये है कि जो बच्चे थोड़े से किताबों से दूर हो गए हैं या उनकी पठन पाठन लेखन शैली या समझने की शैली या अपने आप को व्यक्त करने का जो स्किल बच्चे में होनी चाहिए, तो उसमें आप कैसे संतुलन बना पाए? हाँ मैम, इसके लिए हमें क्लासरूम को समावेशी बनाए हुए हैं ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। और ये जैसे आप देख रहे हो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैम क्लास ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही है, तो बच्चे अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनको हमें लाइब्रेरी के लिए भी इनके पीरियड है, वहाँ इनके साथ अध्यापक जाता है, वहाँ लाइब्रेरी में ये बुक पढ़ते हैं और सुबह प्रेयर में राइटिंग स्किल के लिए सुबह प्रेयर में टाइम दिया हुआ है ताकि ये अपने विचार भी स्पीच के थ्रू व्यक्त कर सकें और लिख के में भी प्रैक्टिस कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा टेक्नोलॉजी पे आधारित है। सर, NEP 2020 टॉक्स अबाउट ए डेवलपमेंट मॉडल जिसको ट्विनिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया है, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग
ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स. तो इस स्कूल को लेकर कोई एक ऐसा स्कूल के साथ कोई अच्छा एक ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहेंगे? ये जो ट्विनिंग वाली गतिविधि है विभाग की, ये बहुत ही अच्छी गतिविधि है. और अभी पीछे हमें प्राइवेट स्कूल में लेके गए अपने विद्यार्थियों को, तो वहाँ प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपस में अपने विचार आदान प्रदान किए, एक्टिविटीज़ शेयर की. तो मेरे भी बच्चे बड़े खुश फील कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स भी, बल्कि उन्होंने भी दोबारा से इनवाइट किया कि दोबारा से आओ. और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हमारे स्कूल में बहुत से लैब हैं जिसमें मैथ लैब, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब और पीसीए लैब. इनसे हमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है और शिक्षा में टेक्नोलॉजी का समावेश भी होता है. एजुकेशन भी होती है, यहाँ का इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है. हमारा स्कूल कैंपस बहुत ही अच्छा है. यहाँ पर हम सभी बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान ग्रुप्स में बैठकर करते हैं. हमारे टीचर्स हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी हेल्प करते हैं, ना कि उन्हें खुद सोल्व करके देते हैं. इससे हमें हमारी समस्याओं का समाधान करने का एक नया तरीका और अनुभव मिलता है और हमारा एक्सपोजर भी बढ़ता है. बेटा आपकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है. यस मैम, इसी सेशन में चेंज हुई है, ये वाली बहुत ज्यादा अच्छी है. आई एम अमन खरब एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट इन सशस्त्र सीमा बल. आई हैड डन माय प्राइमरी स्कूलिंग फ्रॉम हियर एंड आई लाइक टू गिव मैसेज टू यंगर जनरेशन दैट हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस. And there is no shortcut for it. So continue doing hard work and sooner or later you will achieve your goals. Thank you. कैसी लगी मेरी यात्रा? शायद आप संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी और भी कई मंजिलें और मुकाम हासिल करने हैं.